हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, और ये आप लोग का 14 जनवरी 2022 का, मतलब 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक आप लोग इसको फार्म को ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा समय आप लोग को नहीं दिया जाएगा। और इसमें अगर मैट्रिक पास हैं और 12th पास हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा से अगर ब्रांच से किए हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और इसका 4 तारीख यानी 4 जनवरी 2022 से आप लोग का ऑनलाइन होगा। तो आपको इसका मतलब वीडियो मिल जाएगा, अप्लाई कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस टाइम आप लोग को मिल जाएगा वीडियो। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो, पहला पोस्ट नाभिक के लिए है, जनरल ड्यूटी। अगर आप लोग 10+2 पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें साथ में मैथ या फिजिक्स होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10 अगर आप लोग पास किए हो तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यांत्रिक के लिए आप लोग अगर 10 से किए हो, ठीक है, डिप्लोमा, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर या 4th ईयर अप्रूव है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। या आप लोग 12th से भी आप लोग किए हो या 2 ईयर का डिप्लोमा लेटर एंट्री भी होता है तो वो आप लोग किए हो तो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ब्रांच का नाम दिया गया है। बाकी आप लोग का मिनिमम 18 से लेकर 22 ईयर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, देख सकते हैं, 5 ईयर SC ST के लिए दिया गया है, 3 ईयर्स OBC के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जनरल ड्यूटी नाभिक के लिए जनरल में 112 पोस्ट है, EWS में 28, OBC में 72, ST में 11 और SC में 37 पोस्ट। टोटल 260 आप लोग का पोस्ट है नाभिक जनरल ड्यूटी के लिए। नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप लोग देख सकते हो, जनरल में 12 है, EWS में 2 है, OBC में 90 है, ST में 7 है और ST में 5 है। टोटल वैकेंसी 35 है नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। अब यांत्रिक के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और आगे हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो आप लोग का 4 स्टेप में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आप लोग का ये आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसकी आगे पूरी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। स्टेप 1 में रिटेन एग्ज़ाम होगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और नाभिक के लिए ड्यूटी, जनरल ड्यूटी के लिए और नाभिक जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर देख सकते हो, और यांत्रिक के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पर सेक्शन आप लोग का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 1 के लिए आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम मार्क 60 रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबका अलग अलग सिलेबस दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर 10 के लिए आखिरी में यहाँ पर दिया सिलेबस आप लोग का, कौन कौन का पूछेगा तो आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर 10 का जो पोस्ट है उसके लिए है ये, ठीक है। ये 12 के लिए है, ये डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख लोगे, ठीक है, यहाँ पर। और इसका डिटेल एग्ज़ाम का, यहाँ कितना मार्क है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लोगे। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पासिंग मार्क दिया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे देख, इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आप लोग का रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, 1.5 किलोमीटर रन भी आप लोग का कंप्लीट करना होगा, 20 स्क्वायर अप्स आप लोग का रहेगा और 10 पुशअप भी रहेगा, तो आप लोग ये भी देख लोगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग जो फीस लगेगी अदर के लिए जो 250 रुपये लगेगी यानी 250 लगेगी, और SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सिटी की यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। और बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट एग्ज़ाम टायर 1 का स्टेप 1 होगा जो, ठीक है, तो वो सबका दिया गया है। मतलब फर्स्ट स्टेप आप लोग का मार्च में 2022 में सबका होगा, ठीक है। स्टेप 2 हो जाएगा मई में, और अगस्त में आप लोग का 3rd और 4th के लिए एग्ज़ाम होगा। तो ये आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन करने में लग जाइए, ठीक है। बाकी आगे नीचे हम लोग देख लेंगे। पेमेंट की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो, नाभिक जनरल ड्यूटी के लिए आप लोग का बेसिक पेमेंट आप लोग का 21,700 रुपया मिलेगा और लेवल ये 3 रहेगा, ठीक है। और नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप लोग का रहेगा 21,700 रुपया, लेवल 3 ये भी रहेगा। यांत्रिक के लिए आप लोग का 29,200 रुपया, लेवल 5 का ये रहेगा। और बाकी आप लोग को यहाँ पर अदर अलाउंस भी दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग देख सकते हो। प्रमोशन का भी यहाँ पर बात किया गया है, तो आप लोग देख लोगे, ठीक है। बाकी अदर बेनिफिट आप लोग का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन का अब यहाँ लिंक दिया गया है, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर देख भी सकते हो। और आप लोग मेरे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पर हम लोग चलते हैं टेलीग्राम के पास भी, हम लोग दिखला देते हैं आपको, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से या आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट जब होगा तब हम आप लोगों को वीडियो बना देंगे। 14 जनवरी को लास्ट डेट हो जाएगा, 4 जनवरी से स्टार्ट होगा अप्लाई करने का, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।